तो फाइनली हम मिल गए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं भैया से मिली। व्लॉगिंग वैसे तो मैं हमेशा व्लॉग में आती हूँ, हमेशा मेरी गंदी शक्ल ही आती है, ऐसा लगा ना भी बता। चौहान मॉरिसन इज बैक, मैं फिर से आ चुका हूँ व्लॉगिंग में। और मैं क्यों आया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, बहुत से रीज़न है। मैक्सिमम मुझे कमेंट आए कि प्लीज़ व्लॉगिंग ना छोड़ो, कोई मुझसे इंस्पायर हुआ है और मैं कैसे व्लॉगिंग छोड़ सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था भले ही OTG गुम हो गया, पर मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। और OTG तो गुम हो गया, उसका तो बहुत ज़्यादा दुख है, पर एक बात की खुशी है, मुझे आ गया है गूगल एडसेंस की ओर से एक कागज। पर इस कागज, दिखने में जितना कागज लग रहा है, इस कागज की अहमियत ही कुछ और है, क्योंकि इसके अंदर आती है ये, इसके अंदर आता है एक पिन। ये है पिन, तो पिन तो मैं दिखाऊंगा नहीं, पर इसके अंदर आता है एक पिन जिससे अब आपकी एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब कुछ ही टाइम बाद मेरी आ जाएगी पेमेंट। पर इस बात की जो खुशी है, थैंक यू सो मच जितने मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे प्यार देते हैं, जैसे ही फर्स्ट पेमेंट आएगी और उसके बाद धमाका ही धमाका होगा। जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जो मेरे व्लॉग डेली देखते हैं, प्लीज़ कमेंट भी कर लिया करो, ताकि मैं जब एक स्पेशल गिफ्ट ऑर्गेनाइज करने, और मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जिसमें सारे आएंगे, पर एक बार फर्स्ट पेमेंट आ जाए उसके बाद धमाके धमाका होगा। तो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, छोटी सी वीडियो है, करते हैं व्लॉगिंग की शुरुआत। मॉरिसन इज बैक, गुड मॉर्निंग और बाय, टेक केयर, लव यू। अभी मेरी बहन कर रही है प्रेस, अभी आप देख सकते हैं इसको, और रूम की हालत हुई है बहुत ज्यादा खराब। तो मैं तो दिखाऊंगा बहना जी। तो ये था, ये है मॉर्निंग का व्यू, ब्रेकफास्ट में निकल लिए, अब निकलते हैं कहीं। तो ब्रेकफास्ट हो गया, खाना खा लिया, अब निकल रहे हैं, अब कहीं निकलते हैं। पहले तो सैनिकेटी जाते हैं, एक वीडियो अपलोड करते हैं, फिर चलेगा दूसरा काम। तो ब्रो वाली गली छोड़ के अब हम जा रहे हैं रामपुर की ओर। अभी बिल्कुल पहुंचा हूं मैं गर्ल्स स्कूल के सामने, उसके बाद बाजार आता है, मेन बाजार आपको ले जाते हैं, फिर चलते हैं आगे। सकते हैं अगर स्नूकर वाले बंदे इतने लेट चलेंगे तो स्नूकर कैसे चलेगा, कितने लेट चले, कैसे चलेगा स्नूकर। अभी ATM की तलाश में, तब ये थोड़ा लेट हो गए, तो अभी ले चलते हैं आपको, इनको ATM घुमाता हूँ, मेरा भी वही काम है। यहाँ पे रामपुर में कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए आज मैं शिमला जा रहा हूँ, तो मिलते हैं शिमला में ही। अभी सबसे पहले इसमें मैं न्यू बस स्टैंड जाऊँगा। कॉलेज के ग्राउंड, और यहाँ पे रुक गया मैं, वैसे शिमला जा रहा था मैं, क्योंकि यहाँ छक्के पे छक्के लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इसने लगभग यहाँ देखो लगभग 4 छक्के मार दिए इसने बैक टू बैक। हिमाचल और पंजाब का अलग हुआ, वैसे झारखंड बिहार अलग हुआ। रामपुर में कंटेंट खत्म हो चुके हैं, और इसलिए अब हम जा रहे हैं शिमला की ओर। तो जितने भी शिमला में हैं, अब हम शिमला में मिलेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी बस में हुए कल्पा शिमला, तो लगभग 4:30 हम पहुंच जाएंगे शिमला। तो ये लगी है पीछे बस, और कुछ टाइम के लिए अभी लंच करने रुके हैं यहाँ। हमने तो अभी रामपुर से चले हम 12 बजे, अभी खाया लंच, तो हम तो दिखाएंगे, पर आपको दिखाएंगे ये कहाँ पे रुके हैं। ये है अर्पू, सो दिस इज द हाईवे फूड होम स्टे, HRTC वालों के लिए स्पेशल बनाया ये होम स्टे। सो अगर आप रामपुर से शिमला आ रहे हैं तो आपको नारकंडा का व्यू, उसके बाद बहुत से ऐसे व्यू दिखेंगे जो आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे। कुफरी हो गया, फन कैंपस हो गया, और फागू हो गया, जहाँ पे आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी, और कुछ नहीं दिखेगा ग्रीनरी के अलावा। बाकी तो हम धीरे धीरे करके पहुँचते हैं आगे की ओर, तो तब तक आप वादियों का मजा लो और व्लॉग में बने रहो। व्लॉग अभी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद शिमला पहुंचने वाला हूं। अभी यहां नारकंडा का ही व्यू है। फाइनली मैंने रीच कर लिया था नारकंडा बाज़ार, जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द नारकंडा बाज़ार। और नारकंडा
भी फेमस है बिकॉज ऑफ स्नो। बस में मुझे एक लड़की जो वॉश आती है आपको दिखाऊंगा। इसने अपने पापा को बहुत परेशान कर दिया है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। खाने कुछ जो इसका थोड़ा जल्दी तो मैंने बाद में दी, ऐसा आपने बाद में दी आपसे बातें करके। मैंने टिकट पहले पकड़ा दी दोनों, पहले आप अपना दे दे, फिर इसका भी दिया। टिकट पकड़ के आपने ला दिया। नहीं नहीं तो काम भी इसका भी देखिए। दो है टिकट। तो फाइनली वी रीच एट शिमला और संजौली में अभी मैं रुका हूँ। तो इतने टाइम बाद, लगभग 2 से 3 साल बाद मैं शिमला आ रहा हूँ फिर से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शिमला का व्यू और पूरा घुमाऊंगा। जब भी आपने शिमला घूमना है तो सबसे पहले आप उतर संजौली चौक और उसके बाद यहीं से आप हर जगह जा सकते हो। जैसे ही आप संजौली पहुँचते हैं वहाँ से आपको मिलता है डिंगो माता का मंदिर देखने को, जो कि संजौली का टॉप है और सबसे सुंदर टेंपल है यहाँ का। जो आप नीचे देख रहे हैं ये मंदिर जाने का जो रास्ता है वो सिमेट्री होके है। अब आपको थोड़ी देर में मैं रिज घुमा। घूम रहे हैं हम संजौली के न्यू एंट्री में और यहाँ आप घूम सकते हैं 4 बजे के बाद 6 बजे तक। उसके बाद न्यू एंट्री बंद हो जाती है, फिर यहाँ पर गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाती है। संजौली न्यू एंट्री में होती है, सब्जी मंडी भी यहीं लगती है। आप यहीं से सब्जी ले सकते हैं, जो फ्रूट्स भी यहीं से ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, दिस इज संजौली न्यू एंट्री। अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ फ्लाईओवर में, बिकॉज यहाँ पे फ्लाईओवर लग चुका है। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आया। अब हम रिज की ओर जाएंगे और रिज में आपको घुमाएंगे। दिस इज फ्लाईओवर ऑफ संजौली। अब आप ऊपर ऊपर से ही रिज की ओर पहुंच सकते हो इजीली। तो जब मैं पहले आया था यहाँ 2 साल पहले तब ये बना नहीं था कुछ, अब ये अच्छा बना दिया है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। हो चुका है चलने के लिए और ये है गाड़ी के लिए। तो दिस इज़ द संजौली कॉलेज। जब भी आप रिज के बाद आएंगे तो यहाँ पे संजौली कॉलेज मिल जाएगा। IGMC हॉस्पिटल जो कि हिमाचल प्रदेश का टॉप का हॉस्पिटल है, जो कि आपका शिमला में है बिकॉज डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिमला। यहाँ पे क्लासेस भी बहुत लगती है। डे का सीन तो मैक्सिमम दिखा ही होता है शिमला का, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट का सीन। नाइट का सीन कुछ ज़्यादा यूनिक होता है। यहाँ पे आपको वुडन के बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और सारे गर्म कपड़े आपको यहीं पर मिलेंगे क्योंकि विंटर इज़ स्पेशल। शिमला में जो विंटर होता है स्पेशल होता है। शिमला में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो है रिज, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिज मींस दो पहाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिज में आपको मिलेगा क्राइस्ट चर्च हो गया, स्कैंडल पॉइंट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। अगर आपने स्केच बनाना है तो स्केच के लिए भी आपको सबसे अच्छा जो प्लेस है वो शिमला ही है। शिमला में स्केच घोड़ा और आप हॉर्स राइडिंग ले सकते हैं। जो यहाँ की हॉर्स राइडिंग है वो है 150 पर पर्सन। यहाँ पे रिज में हॉर्स राइडिंग के भी अलग ही मज़े है। यहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग है वो काफ़ी यूनिक होती है और मतलब फ़ोटो और जो यहाँ की वाइब है सबसे अच्छी वाइब है। जैसे ही आप रिज के करीब जाते हो आपको फ्लैग नज़र आ जाता है दूर से ही, उसके बाद ही बाकी चीज़ें दिखती है। अगर आप टॉप पे देखते हैं तो टॉप पे है जाकू टेंपल, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि जब हनुमान जी पतंजलि लेने गए थे, संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो आपकी जो संजीवनी बूटी है वहाँ तक पहुँचने के लिए हनुमान जी यहाँ भी ठहरे थे।
तो क्राइस्ट चर्च, महात्मा गांधी, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको रिज में। अगर आप कपल के साथ आए हो और आप वाइफ या गर्लफ्रेंड लाए हो तो आप पहन सकते हो उनके हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा पहन सकते हैं। चले सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं शिमला रिज में, और यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं चर्च और सामने फ्लैग, यहां इंदिरा गांधी, यहां महात्मा गांधी। तो रिज जाएंगे तो विंटर में तो बहुत ही ठंडा ठंडा, जो भी गर्म शहर से आते हैं उसके लिए शिमला सबसे अच्छा है इन विंटर। फर्स्ट टाइम जब ये क्या, ये गेट स्कैंडल पॉइंट जो कि यहाँ का मिडल पॉइंट है, ये इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पे बोलते हैं ब्रिटिश एम्पायर के टाइम जो यहाँ पे महाराजा थे, पंजाब के महाराजा, उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश की क्वीन थी वो यहीं से चक ली गई थी। अरे वही ना, तब नहीं आ पाया हूँ, तब आना था वही ना, वही तो गलती कर दी मैंने मेरे दिन। अरे उस टाइम अगर तो अगर आप खाने की बात करें तो यहाँ पे जो चाइना टाउन है वो यहाँ का स्पेशल है। यहाँ अगर आप नूडल्स खाना पसंद करते हैं चाइनीज, तो आप चाइना टाउन जाए। जहाँ से पार्क चलेंगे शिमला में कुछ होना हो, पर शिमला की ठंड इन विंटर बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तभी मज़ा आता है। तो जितने भी है आओ शिमला, आओ घूमो विंटर्स में। इस बार बर्फ़ तो नहीं पड़ी, वैसे शिमला में नहीं पड़ती है, फागुन में पड़ती है, इस बार गर्मी ज़्यादा ही है इस वजह से बर्फ़ नहीं पड़ी है, पर अगर बर्फ़ पड़ी तो शिमला ज़रूर आना गाइस। तो अभी नीचे का सीन तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो अब ऊपर से आके जो देखने का मजा है नीचे को, वो कुछ और ही है। अभी मैं आपको ऊपर से नीचे का व्यू दिखाता हूँ, दिखाओ। ये है मेरा कैमरामैन, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ऊपर से नीचे। ये रात का सीन है, दिन का सीन मैं आपको कल दिखाऊंगा। मिस्ट आया रात को बहुत सारे, और ये वाटरफॉल जो रात को ही ऑन होता है, ये आपके महात्मा गांधी बापू। और यहाँ रिज के बीच में एक है ब्यूटीफुल पेड़ जो कि अभी सूखा है क्योंकि विंटर है, और नीचे घोड़े। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे रब जाने की मिला हूँ। मैंने लिया है कुछ गिफ्ट, ये देख सकते हैं आप, शिमला में गिफ्ट शिमला से लिया है मैंने कुछ गिफ्ट, ये देख सकते हैं आप। अभी रुका हूँ मैं ISPT, और ISPT में कुछ खाएंगे और फिर हम 10:30 बस से 10:30 में निकल जाएंगे। बन रहे हैं प्लांट है,